फ्रेंड्स, मैं हूं योगेंद्र कुमार जायसवाल और आप देख रहे हैं सक्सेस ट्रेक। आज हम लोग इंजन के कूलिंग सिस्टम के बारे से बात करेंगे। इंजन में कूलिंग सिस्टम का कार्य क्या होता है और उसको कैसे इंजन को हम लोग ठंडा कर सकते हैं, इसके बारे से आज हम लोग बात करेंगे। तो आपने यदि अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देखिए चैनल को। तो आज हम लोग कूलिंग सिस्टम इंजन में, चाहे वो CI इंजन हो चाहे SI इंजन हो, दोनों किस पर वर्क करते हैं? हीट के वजह से वर्क करते हैं। मतलब कि ये क्या होता है, हीट इंजन होते हैं। तो हीट इंजन काम कैसे करता है? जब भी हम लोग इंजन के अंदर कोई फ्यूल सप्लाई करते हैं तो फ्यूल को जलाने के बाद यहाँ पर क्या होता है, हीट जनरेट होता है और उस हीट की वजह से इंजन क्या करता है, हीट को लेके मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो जब भी इंजन की एफिशिएंसी की बात आती है तो इंजन क्या होता है, जितना भी हम लोग फ्यूल देते हैं इंजन को, उसका सिर्फ और सिर्फ 30% किस पर वर्क में कन्वर्ट होता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इंजन का एफिशिएंसी क्या होता है, 30%। तो उस फ्यूल की वजह से जो हीट जनरेट हुआ है उसमें कितना, मात्र 30% अपना मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, बाकी जो 40% है ये एग्जॉस्ट गैस के साथ में क्या हो जाता है, एग्जॉस्ट गैस एटमॉस्फेयर में चला जाता है। जो एग्जॉस्ट गैसेस निकलती हैं वहां से 40% हीट जो है कहां चला जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है। बाकी जो शेष 30% जो हीट है वो किसमें, इंजन को चलाने के लिए जो जितने भी सिस्टम या डिवाइस यूज करते हैं वो सारे चीज क्या कर लेते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और यही 30% एब्जॉर्ब होने की वजह से क्या हो जाता है, इंजन हीट हो जाता है, ज्यादा गर्म हो जाता है। तो इंजन यदि ज्यादा गर्म हो जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, इंजन की जो परफॉर्मेंस है वो कम हो जाएगी। अलग अलग मटेरियल्स जो यूज कर रहे हैं उसमें क्या हो जाता है, एक्सपांशन हो जाएगा या मटेरियल उसका फैल हो जाएगा। तो इस चीज से इंजन को बचाने के लिए हम लोग कूलिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं। तो कूलिंग सिस्टम जनरली, जो इंजन में कूलिंग सिस्टम यूज करते हैं वो दो टाइप्स के यूज करते हैं, एक होता है एयर कूलिंग सिस्टम और दूसरा होता है वाटर कूलिंग सिस्टम। तो यहाँ पर हम लोग दोनों को एक एक करके देख लेते हैं। तो जो एयर कूलिंग सिस्टम होता है वो क्या है, जहां पर इंजन को ठंडा करने के लिए हम लोग एयर का उपयोग करेंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एयर कूलिंग सिस्टम कहेंगे। उस इंजन को ठंडा करने के लिए हम लोग जो माध्यम यूज करेंगे उसमें किस माध्यम का उपयोग करेंगे, यहां पर एयर का उपयोग किया जाएगा। और जनरली जो एयर कूलिंग सिस्टम होता है वो वाले इंजन में क्या बनाए जाते हैं, उस इंजन के सिलेंडर पर एयर फिन्स बनाए जाते हैं। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, फिन्स बोला जाता है। और जनरली एयर फिन्स वाले इंजन का उपयोग या फिर एयर कूलिंग सिस्टम इंजन का उपयोग छोटे गाड़ियों के लिए या फिर टू स्ट्रोक इंजनों में हम लोग एयर कूलिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं। यहां पर जो इंजन पर फिन्स बनाए जाते हैं वो फिन्स का मेन काम होता है एयर के कॉन्टेक्ट एरिया, मतलब कि संपर्क क्षेत्रफल को क्या करना, बढ़ाना होता है। तो फिन्स बनाने का मेन मकसद होता है कि ज्यादा से ज्यादा जो एयर है वो क्या करे, इंजन के संपर्क में आए और इंजन को क्या कर ले, वो कूल कर ले। एयर क्या करता है, अपने साथ जो इंजन की हीट है उसको लेके एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं जो वाटर कूलिंग सिस्टम है। जनरली जो वाटर कूलिंग सिस्टम जितने भी इंजन में यूज करते हैं वो क्या रहते हैं, हाई पावर जनरेट करने वाले इंजन होते हैं। तो उस पर हम लोग किसका उपयोग करते हैं, वाटर कूलिंग सिस्टम का। और वाटर कूलिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है रेडिएटर। रेडिएटर का काम होता है इंजन के टेम्परेचर को बनाए रखना, ज्यादा ओवर हीट होने से उसको बचाना। तो रेडिएटर हम लोग जनरली हाई पावर जनरेट करने वाले इंजन पर हम लोग इसका उपयोग करते हैं। रेडिएटर में कूलिंग में माध्यम के रूप में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, वाटर का उपयोग किया जाता है। कूलिंग माध्यम के रूप में या मीडियम के रूप में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, वाटर का उपयोग करते हैं। और रेडिएटर जनरली कहां पर करेंगे, हाई पावर जनरेशन में करते हैं। तो यहां पर रेडिएटर क्या होता है, रेडिएटर का यहां पर डायग्राम बना हुआ है, आप देख सकते हैं।
तो जो रेडिएटर होता है उसमें एक रहेगा अपर टैंक और दूसरा होता है लोअर टैंक। बीच में जो बहुत सारे पाइपलाइंस बने होते हैं उसको बोला जाता है कोर। तो एक एक करके समझते जाते हैं। तो जो रेडिएटर होता है, रेडिएटर का अपर टैंक और लोअर टैंक जनरली कास्ट आयरन और प्लास्टिक से बनाया जाता है, ठीक है, कास्ट आयरन या फिर प्लास्टिक से बनाया जाता है। ये क्या करेगा, एक अपर स्टोरेज टैंक और दूसरा होता है लोअर स्टोरेज टैंक। तो जो इंजन से निकल कर आने वाली जो वाटर है वो कहां जाता है, अपर टैंक में जाता है। तो अपर टैंक में क्या रहेगा, इंजन के द्वारा जो हीट आ रहा है वो हीटेड रहेगा, मतलब कि ये हॉट वाटर रहेगा। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, हॉट वाटर इनलेट। और ये क्या हो जाएगा, नीचे जो यहाँ पर कोर के थ्रू क्या हो जाएगा, वो ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने की वजह से नीचे जो स्टोर रहेगा ये कौन सा रहेगा, कोल्ड वाटर बोलेंगे इसको, ठीक है। तो जनरली अपर टैंक में हॉट वाटर को स्टोर किया जाता है और लोअर टैंक में कोल्ड वाटर का उपयोग किया जाता है, फिर स्टोर किया जाता है। बीच में जो कोर बनाए जाते हैं, यहाँ पर कोर जो बना रहता है जनरली किसका बनाते हैं, कॉपर एल्यूमिनियम या ब्रास मेटल का बनाया जाता है। यहां पर कॉपर एल्यूमिनियम और ब्रास का बनाने का मेन मकसद क्या होता है कि इंजन की जो कंडक्टिविटी है, जो एल्यूमिनियम है, ब्रास है और कॉपर है, उसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से जो हॉट वाटर आएगा इंजन के आउटलेट से, जो हॉट वाटर आएगा उसको क्या कर लेगा, एयर की पासिंग की वजह से वो क्या कर देता है, एयर को ट्रांसफर कर देता है, अपने हीट को क्या करेगा, एयर को दे देता है, जिसकी वजह से वाटर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कूल्ड हो जाएगा। यहाँ पर जो एयर फैन यूज करते हैं, ये फैन का मेन काम होता है एटमॉस्फेरिक से एयर को सक करना। एटमॉस्फेरिक से एयर को सक करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, यहाँ पर फैन का उपयोग करते हैं। और फैन जनरली हम लोग क्रैंकशाफ्ट या फिर क्रैंकशाफ्ट के इंजन पर उसको क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है। क्रैंकशाफ्ट के एक साइड सामने की ओर, पहले ही मैं बताया था वीडियो में, यहाँ पर हम लोग किसका उपयोग करते हैं, एक पुल्ली का, और उस पुल्ली की सहायता से बेल्ट के थ्रू हम लोग किसको चलाते हैं, यहाँ पर फैन को चलाते हैं। इस फैन क्या करता है, एटमॉस्फेयर से एयर को सक करता है और यहां से क्या करेगा, उसकी कोर से या ट्यूब से वहां से पास कराता है। तो पास कराता है तो क्या हो जाएगा, वो एयर गर्म होके पानी को ठंडा कर देता है। नेक्स्ट है जो यहाँ पर लोअर टैंक बना हुआ है, ये लोअर टैंक में क्या रहेगा, ठंडा पानी। जब इंजन चालू रहेगा, चालू कंडीशन में क्या हो जाएगा, इंजन चलते 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 गर्म हो जाएगा। तो गर्म होने के लिए, गर्म हो जाएगा तो उससे हम लोग क्या करेंगे, वाटर सप्लाई देंगे। और वाटर सप्लाई जनरली कहां पर दिया जाता है, वाटर जैकेट में, सिलेंडर, यहां पर जो भी हम लोग इंजन यूज करेंगे जिसको अगर हम लोग को वाटर के थ्रू ठंडा करना है तो वहां पर उसके सिलेंडर पर जनरली हम लोग किसका उपयोग करेंगे, वाटर जैकेट बना होता है। उस वाटर जैकेट में वाटर का फ्लो सर्कुलेशन क्या होता है, कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो यहां पर इस पानी को सिलेंडर के अंदर या वाटर जैकेट के अंदर हम लोग को एंटर कराने के लिए यहाँ पर किसका उपयोग किया जाता है, वाटर पंप का उपयोग करते हैं। वाटर पंप क्या करेगा, वाटर टैंक से ये क्या करेगा, इंजन के अंदर वाटर की सप्लाई को कंटिन्यूसली बनाए रखने का काम करता है। नेक्स्ट है, जब भी इंजन, यहां पर हम लोग जनरली यूज क्यों कर रहे हैं, वाटर का उपयोग हम लोग क्यों कर रहे हैं या कूलिंग सिस्टम का उपयोग क्यों कर रहे हैं, इंजन के टेम्परेचर को एक निश्चित तापमान तक बनाए रखने के लिए या फिर निश्चित टेम्परेचर तक बनाए रखने के लिए हम लोग किसका उपयोग कर रहे हैं, वाटर कूलिंग सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं। तो यदि इंजन अधिक ज्यादा गर्म हो जाएगा तो क्या होगा, जब इंजन का जो आउटलेट वाटर है, ये आउटलेट टेम्परेचर यदि 80 डिग्री से कम रहेगा, 80 डिग्री सेंटीग्रेड से यदि कम रहेगा, तो ये क्या करता है, यहां पर एक थर्मोस्टेट वाल्व लगाए रहते हैं। थर्मोस्टेट वाल्व का काम क्या होता है, टेम्परेचर को बनाए रखना, मतलब कि इंजन को किसी एक टेम्परेचर पर बनाए रखने का काम करता है।
तो थर्मल स्टेट वाल्व पर दो वाल्व रहेंगे, एक रहेगा अगर 80 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर टेम्परेचर नीचे है, इंजन का जो आउटलेट टेम्परेचर है वाटर का अगर वो 80 डिग्री से नीचे है तो ये क्या करता है, इस पानी को फिर से रिसर्कुलेट कर देता है। मतलब जब तक इंजन का टेम्परेचर 80 डिग्री से नीचे रहेगा तो वो क्या करेगा, इसको हम लोग अपर टैंक में नहीं भेजते, ये क्या करेगा इस पानी को यहीं पर ही रिसर्कुलेट करता रहेगा। और जैसे ही इंजन का जो आउटलेट टेम्परेचर है वाटर का अगर वो 80 डिग्री से ज्यादा हो गया तो वो क्या करता है, ये थर्मोस्टेट वाल्व इस वाल्व को जो रिसर्कुलेशन वाल्व है इसको क्लोज कर देता है और ये पानी को सीधा भेज देता है अपर टैंक में। ठीक है, 80 डिग्री से यदि ज्यादा हो गया तो थर्मोस्टेट वाल्व ओपन हो जाता है और ओपन होने के बाद ये पानी को कहां भेज देता है, अपर टैंक में भेज देता है। अपर टैंक में भेजने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर हॉट वाटर आ जाएगा, हॉट वाटर क्या आ जाएगा, ये कोर के थ्रू फिर से नीचे चला जाएगा ठंडा होके और फिर से ये बीच में रिसर्कुलेट होता रहेगा। तो यहाँ पर थर्मोस्टेट वाल्व के बारे से पूछा जाता है, थर्मोस्टेट वाल्व को कहां पर फिक्स किया जाता है, तो थर्मोस्टेट वाल्व को इंजन के आउटलेट पर फिक्स किया जाता है। ठीक है, और थर्मोस्टेट वाल्व का काम क्या होता है, तो टेम्परेचर को एक निश्चित तापमान पर बनाए रखने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं, थर्मोस्टेट वाल्व का उपयोग किया जाता है। जनरली जो हम लोग वाटर यूज करते हैं वो इतना ज्यादा ठंडा हो जाता है कि यहाँ पर बर्फ बनना चालू हो जाता है या फिर इसकी डेंसिटी काफी ज्यादा हो जाती है, तो डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से टेम्परेचर कम होगा तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, वाटर का टेम्परेचर कम हो जाएगा तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, तो डेंसिटी बढ़ जाने की वजह से यहाँ पर पंप जो है वाटर पंप जो है उसको पंप नहीं कर पाता, तो उसकी वजह से उसकी टेम्परेचर में एकदम ज्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, एक लिमिट तक उसको क्या रहना चाहिए, ठंडा रहना चाहिए, वो बर्फ ना बन जाए। उसके लिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एंटी फ्रीजिंग एलिमेंट का उपयोग किया जाता है, एंटी फ्रीज एलिमेंट या फिर एंटी फ्रीज मिक्सर या फिर लोशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एंटी फ्रीज लोशन के रूप में हम लोग जनरली किसका उपयोग करते हैं, एंटी फ्रीज लोशन में एक होता है ग्लिसरीन का उपयोग, ग्लिसरीन का उपयोग करेंगे और ग्लिसरीन के साथ में हम लोग एल्कोहल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ग्लिसरीन और एल्कोहल का उपयोग किया जाता है, लेकिन जनरली एंटी फ्रीजिंग और लोशन के रूप में अगर बात की जाए तो और एक आता है वो रहता है एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल का उपयोग किया जाता है एंटी फ्रीजिंग या फिर लोशन के रूप में। हम लोग रेडिएटर पर पानी का बर्फ ना जमे उसके लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं, एथिलीन ग्लाइकोल का उपयोग किया जाता है। जब भी हम लोग एथिलीन ग्लाइकोल को यदि पानी के साथ मिक्स कर देते हैं तो ये क्या करता है, -37 डिग्री सेंटीग्रेड तक पानी को जमने नहीं देता, मतलब इसकी जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको क्या कर देता है, बढ़ा देता है, मतलब वो बहुत कम टेम्परेचर में भी क्या हो जाएगा, वो जमेगा नहीं और लिक्विड अवस्था में रहेगा। तो रेडिएटर का फंक्शंस आप लोग को लगभग समझ में आ गया होगा और उसके जो सारे फंक्शंस हैं ये अभी आप लोग को समझा दिया। यदि आपको और भी अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब हम लोग जरूर देंगे। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा होगा तो डिसलाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।